हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 31 जुलाई 2022 हरियाली तीज, सास की थाली, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। पंचांग के अनुसार हर साल सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। यह व्रत महिलाओं द्वारा सौभाग्य प्राप्ति के लिए रखा जाता है। सावन माह में आने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार कर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के व्रत में हरे रंग का खास महत्व होता है, क्योंकि हरा रंग शुभता का प्रतीक माना जाता है। आज हम आपको साल 2022 में हरियाली तीज व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सास को दी जाने वाली थाली और तीज व्रत के महत्व के बारे में बताएंगे। हरियाली तीज शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में हरियाली तीज का व्रत 31 जुलाई रविवार के दिन रखा जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 31 जुलाई प्रातःकाल 2:59 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 1 अगस्त प्रातःकाल 4:18 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:30 से 8:33 तक। प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त होगा शाम 6:33 से रात्रि 8:51 तक। हरियाली तीज व्रत पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद हरे रंग के वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद निर्जल व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले बालू या काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं बनाएं। अब इनका श्रृंगार करें। पूजा स्थल पर एक चौकी पर इन प्रतिमाओं को स्थापित कर इनका विधिवत पूजन करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर दीपक जलाएं। अब सभी पूजन सामग्री व भोग प्रतिमाओं को अर्पित करें। शिव जी को धतूरा, अक्षत, बेलपत्र, श्वेत फूल, गंधक, धूप दीप, वस्त्र आदि चढ़ाएं। अब एक थाल में सुहाग का सामान रखकर माता पार्वती को अर्पण करें। इसके बाद तीज व्रत की कथा सुने या पढ़ें। अंत में सभी की आरती करें और इसके बाद शिव गौरी से सौभाग्य की कामना करते हुए पूजा संपन्न करें। सास की थाली कैसे सजाएं? हरियाली तीज पर जितना महत्व पूजा का होता है, उतना ही अधिक महत्व सास को दी जाने वाली सुहाग की थाली का भी होता है। सास या जेठानी को दी जाने वाली इस थाली को अच्छे से सजाकर उन्हें उपहार स्वरूप दिया जाता है और बदले में उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन देवी पार्वती की पूजा के साथ ही बड़े लोगों का आशीर्वाद भी बहुत मायने रखता है, इसीलिए सुहाग की थाली सजाई जाती है। इसके लिए एक स्टील या पीतल की थाली ले लें। इस थाली में सास के लिए हरे रंग के कपड़े, हरी चूड़ियां, सुहाग की निशानी के रूप में एक लाल रंग की चुन्नी, लाल चूड़ियां, नेल पॉलिश, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम और मेहंदी रख दें। इसके बाद इसमें अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी रखें। अब इस थाली को माता पार्वती के सामने रखें और पूजा संपन्न करने के बाद अपनी सास या फिर जेठानी को प्रेम पूर्वक इस थाली को उपहार स्वरूप भेंट करें और उनके पैर छूकर उनसे सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरियाली तीज का महत्व। यह व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। मान्यता है कि अगर कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करे तो उसे मनचाहा वर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, वह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि ही थी। तभी से भगवान शिव और माता पार्वती ने इस दिन को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत में हरा रंग धारण करने का भी खास महत्व है, क्योंकि हरा रंग सौभाग्य का रंग माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।